भैया की करै छियै? धान के साफ सफाई करै छियै? प्रणाम भाभी, धान साफ करै छियै, कोई काम है? छोटकी कहाँ हो? छठ के प्रसादी देवे अलिए। घरे पर छथिन, प्रसादी दो अइयौ। चाची है चाची, हम स्कूल जा रहे हैं। स्वेटर पहन के स्कूल जा, आने तो दूरा पर चाचा धान फट के छथुन, देखथुन तो मारथुन। नहीं चाची, अभी स्वेटर नहीं पहनबे, बहुत गर्मी हो रहा है। सही में पहले कातिक के अबते अबते ठंडी गिर जाए रहा, सच में मौसम के कोई पते नहीं है। छटकी छटकी है, कन्ना गल हो? प्रसाद लो दी, आटा गुथे छिए, बउआ स्कूल जते दाई, लाओ दीदी प्रसाद दी। चाय बनबे छिए, पी लेम तब जैम। और सुनाओ, की समाचार है? घर परिवार ठीक है? समाचार तो सब ठीके है। अथी आटा घरे कैसे नहीं रही? हाँ तो गहूम कहिए खत्म हो गए, हम तो खरीद के गहूम खा रहे हैं। अच्छा, हाँ खरीद के खा छी, हम तो घरे के आटा खा रहे। से बात है। हाँ हमारे घरे के गहूम रहे, पिछला बार 15 नवंबर से पहले रोपाई के लिए रहे, वैसे उपज अच्छा भेलै, अभी वह गेहूँ के आटा खा रहे हैं। कहाँ गेलियै, कहाँ छियै? गेहूँ के बीज है ले अली हन? अभी गेहूँ के बीचा, अभी तो धाने कटल हने, अभी एतकला धान फराइ छौ, बाद में गेहूँ रोपतै। आराम करे से अच्छा उपज नहीं होते भाभी, अहाँ के भी गेहूँ के फसल अच्छा चाही तो कुछ बात समय पर कर लेना जरूरी है। उपज बढ़ाए वाला कौन बात है से हमरो बता दे। हम तो बता देती रह, लेकिन हमरा खेत में बहुत जरूरी काम है, हिनका है अच्छा से पता है, ये हमरा बतलखिन रह, हाँ हिनका से समझ ली। जे तलिका के बारे में अभी विश्वनाथ रखलख ना, वो तलिका हमरा तू बतला दे। अहाँ के तो पता है, एक जैसा मौसम आजकल के नहीं रहे है। की बात है, तो ठीक बोल रहा हूँ, आजकल मौसम के कोई ठीक नहीं रहे है। हम सब किसान सब के फसल मौसम पर ही आधारित रहे है, इसी लेल मौसम में बदलाव के अनुसार अपना तरीका में बदलाव लावे के जरूरी पड़ते, जैसे कि हमर फसल मौसम की मार से बच सके। कि तू की बोल रहा हो, हमरा कोई समझ में है नहीं करे। देखियो ये बार कुछ भी हो, लेकिन गेहूं के रोपाई 15 नवंबर से पहले कर ले, ऐसे कि 25% गेहूं के उपज में बढ़ोतरी हो सकले हन। उपज बढ़ते केना? उपज बढ़ते देखियो, पहले गेहूं बोए से गर्मी आवे से पहले दाना पुष्ट होके तैयार हो जाए छे, पहले कटाइयो हो जाते। अहाँ के पता है गर्मी जल्दी आवे से गेहूं के दाना पुष्ट होए से पहले सूख जाए है, ऐसे कि 25-30% उपज में कमी होए है और किसान भैया के नुकसान पहुँचे है। अगर हम गेहूं के बुआई थोड़ा दिन पहले कर लेवे तो गर्मी के मार से होए वाला नुकसान से बच सकलिए हैं, और उतना ही मेहनत में ज्यादा उपज ले सकलिए हैं। अच्छा, ये बात हम कभी सोचबे नहीं कलिए रहने। हम किसान लोग देरी से समझे छिए, लेकिन नुकसान होए के बाद सोचे छिए। तू ठीके बोल रहा हूँ, किसान लोग कुछ देरी से समझे है। अगर पहले से सोच समझ लेती है, सोच समझ कर सही समय पर तय कर लेती है तो लाभ ओकर उठा सकती है रे। से बात है, जना छियै दूसरे जगह के किसान लोग 15 नवंबर से पहले गेहूं के खेती का कर अच्छा उपज ले रहलखिन हन। तो ठीक है, लेकिन ये बताबो 15 तारीख के बाद गेहूं के रोपाई करवाए तो उपज में कितना फर्क आते? 15 नवंबर के बाद गेहूं के रोपाई करे से लगभग 1 kg प्रतिदिन उपज कम हो जाए छे। आय के मतलब ई भेलै कि प्रति कट्ठा में 20 किलो उपज कम हो जाए छे। बिल्कुल सही समझलू। सुनियो, जैसे जैसे गेहूं के बुआई में देरी करबे वैसे वैसे ओकर उपज कमत जतै। तू तो एगो नया बात बतलल। कोई नया बात नहीं है, हमरा के जानकारी नहीं रहे, अगर जानकारी रहते रे हम लोग लाभ उठा सकती है रे। किसान के है कथी, उपजे तो मेहनत के फल है, वैसे घर परिवार चले है, इले जे भी तरीका उपज बढ़ावे में मदद करते ओकरा हमनी के तुरंत अपनावे के चाही और लाभ उठावे के चाही। अब तो हम जान गेलिए, अब देर कथी के? लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि
लंबी अवधि वाला गेहूँ के ही एकरा से लाभ मिलता है। इसका मतलब ये भेल है कि लंबा समय के गेहूँ लगावे के चाहे। अब अहाँ सही समझ लिया, जब जानिए गलिए जे एक कुंटल के बाद में सवा कुंटल उपज होता है तो जान बुझ के नुकसान कला सहबे। हम चल लिए ने गेहूँ के खेती कर लेबे। अब तक 15 नवम्बर तक भूलबे नहीं। हाँ हाँ वही हम समझ गलिए। अब हम जा घरे उपज बढ़ावे के लिए कोई और तरीका होता तो हमरा तू फिर बताइ। गहूम के रोपाई के बाद अहाँ से जरूर हम मिलब ताकि आगे के जानकारी हमरा हो जाते तो उपज हमरा ज्यादा होते। ठीक है, गहूम के बुआई में हम लाग जाए छी, बाद में पछताए के हमरा नहीं पड़ते। एक और बहुत जरूरी बात है, अगर गेहूं में पहली सिंचाई रोपाई से ठीक 21 दिन से 25 दिन के बीच सिंचाई को लेबे वैसे उपज में फर्क आवे है। कर चर्चा विशेष में अगला बार करम, जाओ गहूम के रोपाई करूगो। हम जा छिए खेत में इंतजार करे होथिन। अब हम घरे के रोटी खेबे साल भर। जरूर दीदी, हम किसान भाई तो अच्छा से खेती करबे करा छिए, लेकिन समय पर अच्छा उपज के लिए ये दो महत्वपूर्ण काम है जो समय पर कर लेना जरूरी है। गेहूं के बुआई 15 नवंबर तक कर लियो, से गर्मी के कारण उपज में घाटा कम कर सकलिए हम और 25% उपज ज्यादा ले सकलिए हम। गेहूं की पहली सिंचाई बुआई से 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच जरूर कर लियो, इससे अच्छा उपज होए है। एकर चर्चा हम बाद में करब।